नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं बीसीसी क्रिकेट क्लब बांसी ललितपुर बांसी के इस मैदान में मौजूद हैं, जहां इस पूरी टीम ने एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर आयोजित कराया है। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये टूर्नामेंट उस स्तर का नहीं होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय ढला उसके बाद ये टूर्नामेंट लगातार ऊंचाइयों को छूता चला गया और आज यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके की हैं, यहाँ पर जब मुकाबला शुरू होगा दर्शकों के लिए खड़े होने तक के लिए पूरे मैदान में जगह नहीं बचती है। तो लगातार ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट और इन सभी लोगों के नेतृत्व में इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इन लोगों से सीधे बात करते हैं, महाराज किस सोच के साथ के गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इस टूर्नामेंट के मुख्य सदस्य हैं। गुप्ता जी, किस तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया, किस सोच के साथ आप लोग उतरे? काफी समय से गाँव के अंदर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन मतलब भव्य समापन या संचालन नहीं हो पा रहा था। तो जितने भी टूर्नामेंट हो रहे थे लगभग 2013 के बाद से यहाँ पे कोई बड़ा आयोजन क्रिकेट का या किसी भी गेम का नहीं हुआ। जो गांव की एक बड़ी युवा आबादी है वो भ्रमित है, नशे की ओर बढ़ रही है, कुछ समस्याओं को लेकर परेशान है। इन्हीं सब चीज़ों पर रोकथाम के लिए एक दो भाइयों हमारे नन्नू राज बुंदेला जी और आर्यन सोनी जी और वीर बुंदेला जी, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा भाई साहब यहाँ पे टूर्नामेंट कराना है। उस टूर्नामेंट के लिए फिर धीरे धीरे हमारी टीम जुड़ती है। आदरणीय दाऊ साहब हरी सिंह बुंदेला जी हमारे संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका पूरा संरक्षण मिला। प्रमोद नायक जी, भावेश गोस्वामी जी, प्रिंस राजा जी, भैया यादव जी हमारे बीच, भाई सचिन गिर, मतलब पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सबका लगभग यहाँ पे ऐसा सहयोग रहा है कि हम टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य करा पाए। यहाँ पर भोजन व्यवस्था के लिए भी गांव ग्रामीणों का सहयोग रहा है और बाकी तरीके से यहाँ पे आप दर्शक भी देखेंगे, एक बार अनाउंसमेंट करने पर ग्राउंड के बाहर दर्शक हो जाते हैं। जो टूर्नामेंट का शुरुआत में हमने एंट्री फीस रखी थी 3100 रुपये रखी थी और जो विजेता घोषित किए गए थे वो 15000 घोषित किए गए थे। तो धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं बनी, कमेटी के पास लोगों का सहयोग आया, क्षेत्र भर से जनपद भर से सहयोग आया, तो कमेटी ने कल सेमीफाइनल दूसरे मुकाबले में यह निर्णय लिया था कि विजेता को 51000 और उप विजेता को 21000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज में 1100 रुपये और मैन ऑफ द मैच में 501 रुपये का पुरस्कार कमेटी अपनी ओर से प्रदान करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि रोज अतिथि के तौर पे हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग हमारे बीच रहे हैं और भरपूर हमें सहयोग मिला है, ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, जनपदवासियों का। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, मैं बोलूँगा। और एक और मैं आप लोगों को बात बता दूँ, यहाँ पर दरअसल जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो शुरुआती राशि यहाँ पर 31000 रुपये प्रथम प्राइज थी, दूसरी प्राइज 15000 रुपये थी, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है जब एक कमेटी ने 31000 से सीधे 51000 की तरफ प्राइज को किया और 15000 रुपये की जो प्राइज थी सेकंड प्राइज उसको 21000 रुपये किया है। एक ऐतिहासिकता है इस कमेटी की जो पहली बार देखने को मिली है। हमारे बीच दाऊ साहब हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में कमेटी पर अपना आशीष बना करके रखा और ये कमेटी इन्हीं के नेतृत्व में शानदार तरीके से इस आयोजन को कर पा रही है। तो दाऊ के सोच के साथ इन लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज कमेटी काफी ऊंचे की तरफ है, ये टूर्नामेंट काफी आगे की तरफ बढ़ रहा है। अपना मानना था नई जो युवा लोग हैं इनको थोड़ा सिस्टम से लगाने का और काम इनमें क्या है, खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो सिस्टम भी ठीक रहेगा। कम से कम ये इनकी सोच जो जा रही थी विपरीत दिशा में वो नहीं जाने पाए, बाकी सब आप लोगों का। तो ये भी एक दाऊ ने भी कहा कि जो पीढ़ी है नई वो किसी और तरफ ना चली जाए, और चूंकि यहाँ पर दूसरे ऐसे कई कारण रहे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा होती हुई दिखाई दी है। हमारे साथ और भी लोग हैं भाई साहब, किस तरीके से, और ये कमेटी के मुख्य सदस्य प्रमोद नायक जी, नायक जी किस तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया और किस सोच के साथ कराया था आयोजन? नई पीढ़ी जो नशे की तरफ बढ़ रही है इस वजह से टूर्नामेंट का, बांसी में प्रतिभाएं तो रही है खेल के माध्यम से, पहले भी टूर्नामेंट होते रहे हैं, लेकिन अब 8-10 सालों से चूंकि नशे तरफ ज्यादा युवाओं का ध्यान गया है, इसलिए हमारे कमेटी के सदस्य अभिनय गुप्ता जी, भैया यादव जी, सुचेंद्र सेठ जी, आर्यन सोनी जी, सीलू गोस्वामी जी, ये नई सोच के युवा हैं। इनने सोचा कि अगर हमारे युवा नशे की तरफ जाएंगे तो हमारा बांसी जो है वो विकास प्रगतिशील या विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए इन लोगों ने इस सोच के साथ इस टूर्नामेंट का प्रस्ताव लेकर आए। तो हमने कहा भैया इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, इसलिए इन लोगों का भरपूर सहयोग और आज बीसीसी क्रिकेट क्लब द्वारा जो भव्य आयोजन
हुआ है, ये लोग बधाई के पात्र हैं और आगे भविष्य में जो आयोजन ये करेंगे हम इनके साथ पूर्ण रूप से रहेंगे। तो एक ये भी एक कारण हो सकता है कि लगातार लोगों ने ऐसी सोच रखी कि एक तरफ जहां नशे के लिए युवा जा रहा है तो उस तरफ नशे की तरफ ना जाए, दूसरी तरफ खेल में अपनी रुचि दिखाए, इसलिए भी ये टूर्नामेंट आयोजित कराया गया। क्योंकि बांसी जो क्षेत्र है ये एक दूसरे किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो नशे की तरफ अग्रसर है, उनको कम से कम रोकने के लिए इन लोगों की एक प्रभावी सोच है। और जो अभी तक इस टूर्नामेंट में काम करती हुई नजर आई है, कई युवा जो बीते दिनों तक हम लोगों को ऐसे दिखते थे वो आज नहीं है। हमारे बीच इस ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान हरिकिशन झा साहब हैं। तो झा साहब, कैसा ये टूर्नामेंट पूरा चल रहा है और ये उद्घाटनकर्ता भी इस टूर्नामेंट के थे, तो इस टूर्नामेंट को देखकर कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव और क्षेत्र के बच्चों ने इस तरह का टूर्नामेंट कराया, ये बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे तरफ से, हमारे क्षेत्र गांव की तरफ से टूर्नामेंट आयोजकों को हजार बार धन्यवाद और हमारी शुभकामना है कि गांव स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर, देश स्तर पर हमारे गांव और क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े और इनकी भावना मेल जोल की भगवान बनाए रहे, इसी प्रकार के आयोजन की भगवान इनको बुद्धि देती रहे, धन्यवाद। तो ये कमेटी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सोचते हैं कि इस क्षेत्र का नाम कम से कम उस स्तर तक पहुंचे जहां लोग ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का नाम ये लड़के रोशन कर रहे। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो टूर्नामेंट के आयोजक है और इस टूर्नामेंट को सफलता की तरफ अग्रसर करने में लोगों ने काफी कुछ इस टूर्नामेंट को दिया है। तो भैया क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने सफलता की तरफ बढ़ाया है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, हम लोगों ने शुरू से अच्छे ही से टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। बाद में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना भव्य टूर्नामेंट हो जाएगा, इतनी सफलता की ओर हमारा टूर्नामेंट जाएगा। गाँव और हमारे क्षेत्रवासी और हमारे जितने भी जनता जनार्दन नेता सबके आशीर्वाद से टूर्नामेंट हमारा सफल रहा। और मैं यही चाहता हूं कि हमारी कमेटी की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया टूर्नामेंट में और आगे भी हम अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे अगले साल, इससे भी बड़ा टूर्नामेंट, बस यही कहना चाहता हूं। तो ये शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर चल रहा है और हमारे साथ श्री गोस्वामी जी हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करके इस टूर्नामेंट को आगे की तरफ बढ़ाया। भैया क्या कहेंगे, इतने शानदार टूर्नामेंट को आप लोगों ने आयोजित कराया है? हमारा ये टूर्नामेंट हुआ है, इससे पहले 2013 में जो टूर्नामेंट हुआ था उससे भी काफी शानदार टूर्नामेंट हुआ है और आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा और अच्छा टूर्नामेंट कर सके। हमारी ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी ने सहयोग दिया, उनका सभी के लिए धन्यवाद और जिला से भी कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमेटी जो कि प्रिंस राजा, वीर बुंदेला, अभिनय बिस्वारी, भैया यादव, छोटू राजा और आर्यन सोनी जी, इन सभी ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया हमारी कमेटी में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त ग्रामवासियों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे साथ हैं इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजकों में से एक भाई प्रिंस राजा जी हमारे साथ हैं। प्रिंस राजा जी, इस टूर्नामेंट की अलौकिकता जो पूरे जिले में एक नाम गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एकता में शक्ति होती है, ये हम लोगों ने देखा है। जो हमारे मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स, वो हम लोग भाईचारे से रहते हैं, हम लोगों में कोई किसी प्रकार का ना कोई आयोजन होती थी। सबसे अच्छा हम लोगों का प्लस पॉइंट यही था, हम लोगों में कई दोस्त होगी आपसी फूट हो जाए, लेकिन हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। इसमें एक बहुत छोटा रूप था ये टूर्नामेंट, जब इसकी शुरुआत हुई थी हमारे बड़े भाई वीर मुंदेला जी, छोटा भाई उत्तरा मुंदेला, आर्यन सोनी जी, इन लोगों ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। कुछ समय बाद ये टूर्नामेंट अपने आप एक बड़ा रूप ले गया। क्यों ले गया हम लोगों को खुद नहीं पता, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोगों को सहयोग मिला, मासी के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, जिले के द्वारा, हमारे जितने भी मित्र यार हैं सबने बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छा हो रहा। हम लोगों ने कोशिश की बेहतर से बेहतर बनाने की, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा बनाया था, प्रयास किए, देखा हम लोगों ने और कोशिश की कि हम लोगों को अपने जिले में नंबर वन टूर्नामेंट लाना है, कोशिश की और बाकी सबका सहयोग मिला। सबके सहयोग के लिए क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये हम लोगों का साथ है, जो हम लोग की कमेटी है वो इसी प्रकार मजबूती बना रहे और अगली साल इससे भी भव्य कोशिश करूंगा कि और अच्छा होगा। और हमारे साथ अभिषेक झा योद्धा साहब हैं जो इस टूर्नामेंट में बतौर इंग्लिश कमेंटेटर हो या कमेटी के संस्थापक सदस्य लगातार मेहनत करते रहे हैं। अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस टूर्नामेंट की ऐतिहासिक सफलता को देखकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रामलगन भैया जी का, जिन्होंने अपनी कमेंट्री के माध्यम से इतना अच्छा
हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाम कमाया कि जब भी हम सुबह पूछते तो सब लोग हमें मतलब मुझसे पूछते हैं कि कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं। अब रही बात हमारी कमेटी की, तो कमेटी बहुत अच्छी है। आप सबने देखा होगा कितने ऐतिहासिक मैच हुए हैं, काफी अच्छे हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे चल के हम लोग और इससे बड़े लेवल पे कार्यक्रम करें। जो कमेटी के मेन कोर मेंबर कमेटी के जो हैं, वो शीलू गोस्वामी, बीबी राजा, अभिनव विश्वारी, प्रिंस राजा, भैया यादव, सब लोगों ने काफी मेहनत की। डेली हम लोग आप मानोगे नहीं 6-6 बजे उठ के यहाँ से काफी प्रयास किए हर एक टीम मेंबर ने, और आज फाइनल जो था वो फाइनल मैच हो चुका है। इस फाइनल मैच में केजीएन वर्सेस चिगलौरा के बीच में मैच हुआ था, तो केजीएन ने मैच जीता है और चिगलौरा ने भी काफी अच्छे प्रयास किए। चिगलौरा के प्रयासों की भी काफी मैं इसको काफी डिजायरेबल, काफी मेमोरेबल बोलूंगा कि इन्होंने काफी अच्छे एफर्ट्स मारे अपनी इस मतलब फाइनल मैचेस के हिसाब से, काफी अच्छे नए एफर्ट्स मारे। तो ये जो ओवरऑल कमेटी है हमारी, ये कमेटी बहुत अच्छी कमेटी है, और इसमें काफी अच्छे जो हमारे एम्पायर के तौर पे बाकायदा हमारे साथ में जो पड़े हुए हैं शीलू गोस्वामी, इन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग रहा, और सारे मेंबर्स अभिनव विश्वारी, भैया यादव, सब लोगों का काफी अच्छा इसमें योगदान रहा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये कमेटी काफी अच्छी रहे, और हम यही आशा करते हैं कि हम लोग इसी तरीके से मजबूत रहें और आगे चल के जो भी कार्यक्रम रहे तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। धन्यवाद। ये टूर्नामेंट काफी सफलता की अग्रिम ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे की तरफ बड़ा, शुरुआत में ऐसा लगा। हमारे साथ इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक महोदय अभिनव विश्वारी जी मौजूद हैं। विश्वारी जी, पूरा टूर्नामेंट जो ऐतिहासिक सफलता की तरफ गया है, इसमें शुरुआत में कैसे आप लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, क्योंकि मैं शुरुआत में पहले दिन आया था उस दौरान ऐसा नहीं लगा, लेकिन अब अंतिम समय आते आते जब हजारों लोगों की भीड़ लगी, तो किस तरीके से आप लोगों ने चेंज किए कि इतना टूर्नामेंट में आनंद आ सका? पहले तो मैं टूर्नामेंट में रहे सहयोगियों के लिए, खासतौर से आयोजक समिति के सदस्य भाई वीर राजा बुंदेला, प्रिंस राजा, यादवेंद्र भैया, भावेश गोस्वामी जी, अभिषेक झा, आर्यन सोनी और राज बुंदेला और प्रमोद नायक जी, मैं सभी आयोजक समिति के सदस्यों को बधाई देता हूं कि आप सब ने हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े होकर इस टूर्नामेंट के आयोजन को सफलता प्रदान की है। और दूसरी चीज, यहां पर मेरे गांव के सहयोगियों की, जिन्होंने भोजन व्यवस्था से लेके हर आगे बढ़ा है और बहुत ज्यादा भव्यता प्रदान। अब जब टूर्नामेंट समाप्त हो गया है, उस कंडीशन में आप लोग किस तरीके से, अब जब टूर्नामेंट समाप्त हो गया है उस कंडीशन में आप लोग अब जो आगे की तैयारियां हैं, अगले वर्ष की तैयारियां हैं, तो क्या अगले वर्ष भी इसी तरीके का आप लोग टूर्नामेंट आयोजित कराएंगे या कुछ और कराएंगे, इस बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम सभी लोग इस बात को जानकारी रख लेते हैं कि अगले वर्ष भी होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत राज बुंदेला, आर्यन सोनी और वीर राजा बुंदेला के माध्यम से हुई थी, तो हम लोग केवल सहयोगी के तौर पर यहाँ जुड़े थे, बाकी एक परिवार बन गया। और आयोजक समिति पूरी बीसीसी क्रिकेट क्लब की आयोजक समिति क्षेत्र को और लोगों को सहयोग प्रदान के कारण बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मैं विजेता टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा अगले वर्ष की जो कार्य योजना है, पहले हम इस ग्राउंड को व्यवस्थित कराने के लिए हमने जो मांग रखी है, अगर ये बाउंड्री हो जाती है, व्यवस्थित हो जाता है, तो अगले वर्ष इससे भव्य आयोजन होगा और लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लास बल्लेबाज हमारे पास, जैसे अभी जयपुर से फोन आया है, आगरा से फोन आया है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी वगैरह से फोन आया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ी सी बड़ी टीमें यहाँ आकर खेलें। और यहाँ इस बार जो डिसीजन हमारा सबसे बड़ा था कि गांव का एक भी खिलाड़ी किसी भी टीम से नहीं खेलेगा, उस डिसीजन पे उंगलियां उठी जरूर हैं, लेकिन उस डिसीजन के चलते टीमों ने यहाँ पे उत्सुकता दिखाई। 3 दिन के अंदर हमारी 16 एंट्रियां पूरी हो चुकी थी। बाद में कई टीमों के फोन आए, भाई साहब हमारी एंट्री ले लीजिए, तो हम लोग ने असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था और 20 दिसंबर को ये बात हुई थी कि टूर्नामेंट कराया जाना है, 27 दिसंबर तक हम लोगों ने इसका शुभारंभ करा दिया था। आज 10 जनवरी को फाइनल के दिवस पे केजीएन विजयी हुई है, मैं उसको बधाई देता हूं और उप विजेता चिगलौरा की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस टूर्नामेंट के सभी आयोजकों, ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को भी बहुत बधाई। तो ये एक ऐतिहासिक लम्हे रहे हैं जहां हम लोगों के बीच में इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो सका है। हमारे बीच भैया यादव जी हैं, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार
प्रदर्शन करते हुए माफ कीजिए टीमों के प्रदर्शन को देखते हुए इस पूरे टूर्नामेंट को ऐतिहासिक सफलता की तरफ ले गए। तो भैया यादव जी, इस टूर्नामेंट को कैसे इतना विशाल रूप आप लोगों ने दिया? हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मतलब इस तरह से लग नहीं रहा था कि हम लोग मतलब छोटी शुरुआत की थी, लेकिन इनको हमने बढ़ाया अपनी मेहनत से। हम लोग जो टीम रही हमारी, एक कोई मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम लोग चलते गए काफला बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। हम लोग चले थे अकेले, लेकिन पूरा गाँव सब कुछ सबने हमारा बहुत सहयोग किया पूरे गाँव ने, और आज इस टूर्नामेंट के समापन पे पूरा गाँव हमारे साथ है। हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था जो कि गाँव की टीम नहीं खेलेगी, तो उस टाइम गांव वालों को लगा था कि गलत डिसीजन, लेकिन इसके बाद जब टूर्नामेंट बढ़ा तो फिर गांव वालों ने कहा कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया और हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ साथ खड़ा है, पूरे गांव ने हमारा बहुत सहयोग किया है, उसके लिए हम पूरे गांव की बहुत बहुत आभारी है। हमारा बांसीधाम गाँव और हमारी टीम जो बीसीसी क्रिकेट क्लब है उसने पूरे जिले में जो इतिहास रचा है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। इसमें जो एक तरह ही लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब समझदार थे और टूर्नामेंट को जो इतना भव्य रूप दिया है उसको बीसीसी क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐतिहासिकता रही है जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जाया गया। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजकों में से एक भाई अमन सोनी जी हमारे बीच, आर्यन सोनी जी माफ कीजिए, हमारे साथ मौजूद है। आर्यन जी, इस पूरे टूर्नामेंट में क्या लग रहा है, किस तरीके से इसको सफल बनाया आप लोगों ने? मैं पूरी बीसीसी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और लेकिन हम नहीं सोचे थे कि इतना टूर्नामेंट का इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया है, लेकिन हम लोग ने बहुत प्रयास किया, भाई बड़े बड़े भाई लोग को लिया हम लोग ने और टूर्नामेंट का बहुत ही भव्य आयोजन किया, धन्यवाद। तो ये ऐतिहासिक मुकाबला है जब दोनों टीमों के मध्य से कुछ समय पहले मुकाबला हुआ, दोनों टीमों के मध्य काफी संघर्ष का मुकाबला अंतिम समय तक हुआ और एक टीम मुकाबले को जीती, एक टीम हारी। केजीएन क्लब ललितपुर ने इस टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट को टीम बनी, मैच जीत करके उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। अंतिम इस कमेटी के सदस्य राजू गंगिरा जी हमारे साथ हैं। राजू जी, कैसा लगा इस पूरे टूर्नामेंट को देखकर और करवा कर? हमें टूर्नामेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारा टूर्नामेंट अच्छा हो जाएगा। सबसे विशेष सहयोग हमारी कमेटी है अभिनव सारी जी का रहा है, जिन्होंने हम लोगों की इतनी ऊंचाई तक टूर्नामेंट को बढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद बड़े बड़े भाइयों लोगों का, ग्रामवासियों का। तो ये एक ऐतिहासिकता है जहां हम लोगों के बीच इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के लिए सभी लोग बने रहे। आगे आप लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL वार्जन को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर है तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।